ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਸਟੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਸਾਲ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਨਸੀਆ ਚਲਿਏ ਹੋਸਟਲ ਚੱਲ। मैं भी ना चलता भाई। चोर कोल के साथ कौन? पर्ची कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड इंटरफेसेस ही नहीं सी क्योंकि यार ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਪੀਆਈ ਤਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬੇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਚ ਤਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। पर्ची देखनी होवे फिर? अरे नहीं भैया, अरे अपने कॉलेज का पॉलिसी है कुछ भी हो जाए पेपर नहीं दिखाएंगे। का हो गया लेरी भैया? रेड पैगी बर्थडे पर रेड मिलता जुलता नहीं ना ਬਾਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਜਿਹਨੇ ਪੌੜੀ ਸਿੱਟਤੀ। रूप जो सारे छड़ गए सी सिर्फ यही सी जिन्हें साथ दिता। वो मेरा मतलब है साढ़े लिए तो छड़ दे, कल्ला ही झुलसी जाना है। भूषण कुमार जी ते खाता नंबर 201 है ते एक जूस भी ऐड कर ही लियो। अरे इतने से जूस से कहा होगा भैया, एक काम करो बड़ी बोतल ले लो। आए पूछण मैं आही गल सोची जांदा सी यार भी मेरा साला इन्ने कि बनूगा की गल सही है। बड़ी बोतल लेने। अरे शर्म करो शर्म करो। कादी शर्म है? अरे हमको देखो, हम रोज सुबह 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर अखबार बांट कर आते हैं। अरे हम खुद अपने खाते से कभी जूस नहीं पिए और एक आपको देखो साला हमारे ही खाते से खाए जा रहे हो। साला किनू क्या हुआ? ओ पूछण यार घबराना का तो कल तो असं रूप के खाते च फाला करेंगे। अरे का जस भैया आप भी हमरे खाते से? यार पूछन तो टेंशन को लेना, ऐतकी असी सारे जणियां ने मिल के ना तेरी मैस का बिल भर देना ठीक है। आ सुन लिया हुणे नाले रूप रेडी हो गई ब्रो, आपां क्लास ला के आने अज। ओ यार तुसी लाया मैं की करना यार, उत्थे पेपर तू नहीं दिते क्लास तू नहीं लाई, देखी किते डिटेन ना हो जी फिर बाद च मूंह लमकाई बैठा होना पीटीएम ते। यार एक तां पीटीएम बंद कराउणी स्कूल बनाया पिया यार कॉलेज ने। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ 85% ਕਰ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਖੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੀਟੀਐਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਆ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੱਸੀ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾ। ਯਾਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੈਸੇ ਹਮਰੇ ਖਾਤੇ ਮੇ ਸੇ ਗਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। खाता करता मर्जी तू ਤਾਂ ਕਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ। खाता आपका खाता क्या हमारा खाता? ਫਿਰ ਕੋਗਾ ਜਿੱਦਰੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਓਏ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵੇਚਣਾ ਪੜੇ ਤੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ। ਚਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਚੇ। ਯਾਰ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ? ਅਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਸਕਤੇ ਹੈ ਭਈਆ, लेकिन उसके लिए आपको एक वकील का जरूरत पड़ेगा। ओ वकील कित्थों कर लांगे असी, साडे हालात ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ, रोटी ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਖਾਣੇ ਆ, वकील की जरूरत है। जस भैया पहले एडमिन ब्लॉक में जाके आपका वो पर्ची वाला मसला हल कर लें, फिर मेरा लेक्चर भी है भैया, मैं लेट हो जाऊंगा। आइए भैया। नमस्ते सर जी। पोषण तू फिर आ गया, तेन कितनी बार क्या भी तेरी रीचेकिंग का रिजल्ट जो पेंडिंग है। कमाल करते हैं सर जी आप भी। एक मिनट, ये अरे मेरा बार काउंसिल का कार्ड कब का बन के आ गया? और कितना टाइम लगेगा? कोई गल नहीं, अगले हफ्ते पता कर लें। सर एक होर रिक्वेस्ट है जी। हाँ जी बोलो। साडा एक दोस्त है जी अनमोलदीप सिद्धू, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 3rd सेम दे विच सीपीआई दे एग्जाम दे विच ओदी पर्ची फड़ी गई सी जी। ओए हाँ 2 साल ही रेस्टिकेट करता उन्होंने। चलो जाओ ने तो। ये सानू भी पता सर, असी ताही आए हैं तुहाडे कोल। दरअसल असी वेरीफाई कराना चाहते हैं कि पर्ची उस सबजैक्ट दी सीगी वी कि नहीं। काका जी मेरी गल सुनो ध्यान नाल, पर्ची दा पर्ची हुंदी है, फिर चाहे वो जिहड़े मर्जी सब्जेक्ट दी होवे, समझ आ गई? पूरा केस दिखाओ। गगनदीप सिंह वर्सेस पीयूटी, तुहानू हुणे केस चैक करा दिंदे। इस मुंडे दे एग्जाम दे विच भी गलत सब्जेक्ट दी पर्ची फड़ी गई सी। जदों उहने कोर्ट दे विच इह साबित कीता तां कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुंडे दी रजिस्ट्रेशन नू रिवोक कीता जाए ते एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराया जाए। फॉर योर काइंड इनफॉर्मेशन सर, अनमोल दा भी सेम केस है। ये देखो सर, पर उहदी पर्ची तां सेम सब्जेक्ट दी सी। ये तुसीं किवें कह सकदे हो? अच्छा तेनू बड़ा पता किते पर्ची तू तो नहीं सी बनाई यार की बकवास कर रहे हैं। नहीं नहीं जस भाई सर जी जस भाई बहुत फनी है, ऐसे मजाक करते रहते हैं। सर जी ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा हेल्प कर देना तो इनका डाउट क्लियर हो जाएगा। बस यहो जे हजारां केस होंदे ने साडे कोल ते जे कल्ले कल्ले केस दा डाउट क्लियर करदे फिरिए ना फिर साडा तां काम हो लिया। मैंने लगता तनख्वाह भी ऐसी चीज़ की लैंने हो बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा वो पता कादी तनख्वाह लेंदा? मैंने तो नहीं पता। हमको पता है ना, हम बता देंगे आपको। सर जी आप काहे गुस्सा रहे हैं, हम जा रहे हैं। हाँ जस भाई चलो आप जा रहे हैं। सर सॉरी सॉरी। हाँ चलो यार क्या कर रहे हो आप? साला पता नहीं की समझदा आपदे आपनू। जस भैया अरे एक तो वो पहले किसी से सीधे मुँह बात नहीं करता है, ऊपर से आप उसके ऊपर चढ़ गए। अब पर्ची नहीं दिखाएगा, वो गई भैंस पानी में। हाँ तो साला कैसे नहीं दिखाऊंगा? ओ गुरु आदू बाल बुल कटाला सालिया मेरी गल मन मसूर लगा दे, ओ आशिक जा लगदा है नाले साला मेनू कही जावे सेटिंग में सेटिंग कितना गल्ला मोटना हो जाए। आप ता कुड़ी बनया पे ओ बन गई फिर गल दिखाती ना पर्ची कानू दिखाई है यार। लो भी मुंडियो कड्डो 100 रुपया कड्डो कड्डो कड्डो। की हाल है जी? छड़ दे। लो भी साडे वालेओ गुरु एक होर शर्त जित गया। सोने लिख ला रिकॉर्ड च और चलो चल कोई ना अगली बार भी देख लांगे। भरावो मैं तो थानू पहले ही कह रहा भी अनमोल का वापस आना नामुमकिन है। देखो रूल एंड रेगुलेशन ने हाले पर्ची तो पर्ची होंदी है ना जो मर्जी है यार। अनमोल नू तो वापस लैके ही आवांगे, उहदे लई भावें कोर्ट केस क्यों ना लड़ना पवे। यार लक्की नू बाहर कढाउण लई अपने कोले वकील तां है नहीं ते तूं इह केस नू कोर्ट चले जाण दी गल करदा। वैसे लक्की वाले केस लई एक वकील तां है अपने कोल। कौन? हम। यार जस पहले एक बंदा नकली फौजी बनने के नतीजे भुगत रहा ते तू इनू नकली वकील बनाउन फिरदा यार। ओ भरावो बीए एलएलबी है कोर्ट केस लड़ सकदा, बार काउंसिल दा कार्ड चक्की फिरदा है। हम कुछ नहीं चुकी फिरदे। वैसे भी इतना डर तो दिल्ली पुलिस से नहीं लगता जितना पंजाब पुलिस से लगता है। ओ सही कह रहा है यार, नाले इहदे अरगे नू देख के ना पुलिस दे 2-3 थप्पड़ आई निकल जांदे ने। हां बिल्कुल भैया वही तो बोल रहे हैं। वैसे भी हमको अपना तशरीफ बहुत प्यारा है। काका जे चाहना तेरी तशरीफ दी तस्वीर ना बिगड़े चुप करके साडे नाल थाने तुर पा। नहीं जाएंगे। ओ तू जाना के नहीं? हां नहीं जाना है। पक्की गल है? पक्की गल। चल ठीक है भाई फिर आप दी मैस दा बिल आपे भर ली ना। देखो जस भैया दफा 503 के तहत ब्लैकमेलिंग का केस पड़ेगा आप पे। भूषण यार 307 के तहत केड़ा केस बनदा? 307 के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है ठीक है चलेंगे। बस ठीक है फिर छाड़ दो मुंडे, लेकिन हाफ डे के बाद। कोई चक्कर नहीं तू लेक्चर लावदा बस आंदे होए याद ना काला कोट पाए। हाँ ले ठीक है भैया काला कोट तो हमारे पास है ही नहीं, है ही नहीं। क्या बात है, नच ला जिन्ना मर्जी नचना। काला कोट तो मैं तेनू पवा के छड्डू भावे मैनू आपदे बुढ़े दा क्यों ना लियाणा। ओ यार काले कोट दा हीला मैं कर दूं, तू बस मैनू एडवोकेट वाले स्टिकर लिया के देने। अरे हम सब कुछ ला देंगे, आप जो कहेंगे हम वो ला देंगे। बस ठीक है फिर उड़ो। रूप मैं कहंदा सी यार आप भी लाए ये क्लास ना यार तुसी लाओ। ओ इक्को ही लावांगे आ जा। ओ पैग लाने वेले भी तू इक्को कहना हुंदा, मुड़ के पता चक के लियाउणा पैंदा तैनू। ओ गुरु चल चलिए, ओ मैनू कोई काम है तुसी जाओ है ना लाओ क्लासां ना ना फिर चंगा। हाँ जी विराज भाई। ओ यार गुरु जी नाल ना तुसी आप दी कोई पर्सनल गल ना शेयर करया करो, मैनू बंदा ठीक नहीं लगदा। यार मैं मानदा ओ बालां दे करके लंडर जा लगदा पर ओ कहंदा नहीं ना लोकी खांदे साड़ा ओ गुरु नहीं ओ माड़ा माड़ा ए जी गल है यार। ओ यार लोकी तां बहुत कुछ कहंदे ने, हुण कहना तां तू ही है कि तू सरीला। मैं हैगा यार मैं सरीला दा। कोई गल नहीं ना बिठाओ नाल, जिथे सारी दुनिया दी गल्लां सुन लिया आ भी ठीक है। पर रूप एक गल मैं देख ली अपनी क्लास की यूनिटी ना जीरो आ जीरो। अज बहुत तकलीफ हो रही है साढ़े सारे तो, है ना। उदों तो जे लकी एक दिन भी क्लास च नहीं ना आता, सारिਆਂ ਨੂੰ दंदलां पैण वालियां हो जांदियां सी कि अज साडा जी कौन लवाओ। मैडम जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैडम जी। सत श्री अकाल। जस्ट एकम गाना तो सुना दो ना प्लीज। तू ही कहंदी हुंदी सी ना इदां दो दो घंटे गाउंदे रहिंदे सी बिना कुछ खादे पीते, एकम इना करके गाउंदे सी। ते तू भाई कदी सहेली नूं मिलण जाना, कदी कोई काम पै गया, रू भाई गड्डी दे दे गड्डी दे दे। एक दिन गणा दे जिदण इहने मना कीता होवे। बाकी लाली लाली दे तां कहणे ही की सके। पर सब तो ज्यादा दुख तां मैनूं उदों होया जदों कल ओह बलबीर अनमोल दा मजाक उड़ा रहा सी ते तुसीं सारे जाणे दंद पाड़ पाड़ के हस रहे सी। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਬਲਬੀਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲਿਓ ਜੇ ਰੋਸ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੀਪੀਆਈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਪਰਚੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਣਾਊਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਸ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਬੈਗਾਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਛੱਡ ਯਾਰ ਦਫਾ ਕਰ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਚੱਲ ਰਵਲੀਨ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਲ ਜੀ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सत श्री अकाल। तुसीं सानूं दुबारा पढ़ाउण लग गए जी। हाँ जी एकम ते तू हमेशा दी तरह बंक मारन दी तैयारी कर रहा ना। आगे कदे रोकिया बंक मारन तो? मैम ऐसे करके तां तुहानूं मिस करदे रहे जी पिछले साल। कंडीशंस याद ने ना, असाइनमेंट टाइम ते देनी है। हां ते प्रैक्टिकल क्लास कदे मिस नहीं करनी। एग्जैक्टली ते ए जासा मैम ए नीड थ्रू आया जी। लीड थ्रू जी। ओके न्यू एडमिशन है। चलो कर लो जेड़ा काम करना है, अटेंडेंस में आपे ला दूं। थैंक यू मैम। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। अन्नी ढिल्ली आफ्टरनून लगता कुछ खा के नहीं आए घरों, थोड़ी एनर्जी दिखाओ। गुड आफ्टरनून मैम। सिट डाउन। की गल डेजी तुसी इस क्लास का हिस्सा नहीं? नहीं मैम, आई मीन हैगी आ मैम। जे क्लास च आउण दा मन नहीं हुंदा ना तां घर बैठ के पढ़ लिया करो। डिटेन तुहानूं किसी ने करना नहीं ते असैसमेंट तां तुहाडी पूरी हो जानी हुंदी है, ठीक है ना। सो किवें रहा सारियां दा थर्ड सेमेस्टर? मैम बहुत मिस कर रहा तुहानूं। हां सच्ची? यस मैम। मैम तुसी थर्ड सेमेस्टर च सानूं क्यों नहीं पढ़ाया? कई गल्लां हुंदियां बच्चे जिन्हां तो पर्दा ना ही चक्या जावे तां वधिया। लग्या सी पता मैनूं तुसीं मेरे रिगार्डिंग बहुत सारियां मेल्स पाइयां कॉलेज नूं कि मैम नूं दुबारा पढ़ाउण लाओ। हाँ जी मैम पर कोई फायदा ही नहीं होया। गल पता की है बच्चे, आ जड़ियां कागजी गल्लां ने ना इह तां सिर्फ कागजां तक ही सीमित रह जांदियां। कई वार सानूं अपनी आवाज़ उठाउण लई खुद अग्गे आउणा पैंदा। जे असीं सारे इकट्ठे होके मुसीबत अग्गे खड़ जाइए ना तां साडे अग्गे कुछ नहीं अड़ सकदा, समझ गए? चलो गल्लां बहुत हो गई, हुण आपां अगे पढ़दे हां। हुण आई है ना एनर्जी। ओ यार इहदा 3 किलोमीटर च 4 बार तां पेशाब निकल गया। जब थाने जाके इहदा कुछ होर ना निकल जे। ओ यार कर लूगा हैंडल। तू सच जेड़ी मैडम नाल तुसीं अज गल करी जांदे सी कौण आ ओह? ਉਹ ਤਾਂ ਰਵਲੀਨ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਚ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਏ 2 ਮਿੰਟ ਬਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਥਰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ओ यार देख पहली गल तो जे डेरी असाइनमेंट नहीं बना के लेके आई मैडम रज के जलील कर दी। मैडम जलील करती मुंडे पिछे कुका चक देंगे। दूजा जिन्नी ओदी असैसमेंट बनती सी ओनी ला के भेज दी। तीजा उन्हें करता सी अनमोल नूं प्रपोज ते अपने सरदार जी ने करती ना। ओ यार तू सब अपने वर्गा ना समझिया कर। करता प्रपोज हुई भावें मेरियां चार सप्लियां ने पर आ काम दी मैं पीएचडी करी हुई आ। यार मैं सोचदा सी कि जे अनमोल रवलीन मैडम नाल ब्याह करवा ले फिर आप अनमोल नूं सर कहांगे कि रवलीन मैडम नूं भरजाई। चल हो चल यार बैठ अगे ही लेट आ। हाँ भाई किधर हक्की आने हो? तुहानू पता नहीं अगे साहब दी गड्डी खड़दी आ ते पिछे भी साहब ही बैठे ने जी। किथे ने थोड़े साहब? ए साहब ओए किहड़े हिसाब नाल साहब लगदा है? अगर पढ़ना नहीं आता तो अंदर से किसी को बुला लीजिए। ठीक है थाना मुखी से मिलना। जय हिंद सर। की काम है भाई? सर ये लखविंदर सिंह के दोस्त हैं, इनको मिलना था उनसे। वाह ये तो कीड़ियाँ चल के खुद नरेंद्र के रही हैं। डको है इन्होंने अंदर। चल चल जा। कौन साला इनको अंदर डालेगा? की मतलब? मेरा मतलब कि कौन सा लॉ के तहत इनको अंदर डालेंगे? तू कौन है? मैं वकील हूँ इनका। अच्छा मैं प्रधानमंत्री। पर वो कड़ा पग बंद है। वकील बैठो तुझे ने बाहर वेट करो। अरे नहीं सर इन्हीं को तो मिलना है लखविंदर से। हस्ता लाया थे जे मैं ऐ जने खने नू मिल देता थाने च मेला लग जा करूं। सर कहीं आप लकी के साथ टॉर्चर तो नहीं कर रहे हैं? नहीं तनु किने क्या? अरे अभी कहा थोड़े है हम तो पूछ रहे हैं। और वैसे भी सर अगर टॉर्चर किया ही नहीं है तो इनको मिलने दीजिए ना उनसे। बाकी आप और हम बैठ के करते हैं जो फॉर्मेलिटीज करना है पूरा। है थोड़ा जी सा। जी जनाब सारे मुंडियां दे रजिस्टर ते साइन ले ला। ठीक है जी इन्हां नूं मिला दिओ नकली फौजी नाल। नाले गल सुन। हाँ जी सिर्फ 5 मिनट। ठीक है जी सर सिर्फ 5 मिनट लगे। देख ला जे रात कटनी है तो। अरे नहीं नहीं सर बहुत है 5 मिनट। 10 भैया आप जाओ ना। रूप भाई सॉरी सर। अच्छा सर ये बताइए कि कौन कौन सा चार्ज लगाए हैं आप लक्की पे? ये तो नहीं दस सकता पर इन्नी गल पक्की है इन्हों का यार गया 2-3 साल ही अंदर वो नहीं बचता हूँ। अरे नहीं सर ऐसा मत कीजिए उसका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा सर प्लीज़। ये गल ना लोगों को ठकन तो पहला सोचनी सी। अरे सर इतना भी खा हो गया हम थोड़ा बहुत सेटलमेंट कर लेते हैं ना। सर तुम ये दसो शगन सीधा बनोगे या बचोला भाई? लखविंदर सिंह तेरे साथी आए ने मिलन। मुंडे 5 मिनट ने थोड़े कोल कर लो जेडे दुख सुख सांझे करने ने। भाई किवें आ तू? मैं ठीक हाँ। सॉरी यार पहला नहीं आया गया। कोई गल नहीं यार पेपर चलते सी। किवें होए ने पेपर? जिवें पहला हुंदे ने। ते टीवी बाज नहीं आया की गल? पेपर खत्म होने तो बाद भी किताबां च उलझिया पै जां डेजी च? ओ दरअसल लकी जिदन पुलिस तैनू लैके गई है उस दिन अनमोल की भी पर्ची फड़ी गई तो उन्होंने चक्कर इन्वेस्टिगेट करता। एक पर्ची पिछे पर फड़ी किवें गई? वो तो यार बहुत लंबी स्टोरी है, तेनों बाद च दसांगे, हुण टाइम घट आ अपने कोले। तेनों मारिया कुटिया भी है पुलिस ने? यार तेनों पता ही है, माड़ी मोटी सेवा तो पंजाब पुलिस करती है, पर भाई तभी तो नहीं होता। किसी होर ने कांटेक्ट किया लकी तेरे नाल? नहीं यार। ते बदर अंकल ने? ना भाई, मैं तो चाहना उन्होंने पता ही ना लगे। यार भाई यार मैनू कढ़ा लो यार इथों, मेरे तो यार होर नहीं रह हुंदा इत्थे। यार गलती हो गई यार, मेरे को बहुत वड्डी गलती हो गई यार। मैं अगे तो ऐसा कुछ नहीं करूँगा यार। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਢਾ ਲਓ ਯਾਰ ਇਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਲੱਕੀ ਹੌਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹਾਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆ ਰੰਡੀ ਰੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਲੱਕੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਬਾਈ ये ग्रिल सैंडविच करियो ते हाँ सच ब्रेड बाउनी यूज करियो ताई स्वाद बनदा। रुबैया जस भैया से बात की आपने? किस बारे? अरे वही कि मामला रफा दफा करवाने के लिए सच 3 लाख मांग। ओ इना ना पैसे दी कोई गल नहीं करनी। लेकिन काहे भैया? यार रोटी तो अपने खाते चो खांदे ने, इना कोले की है बेचारें को। फिर भैया 3 लाख रुपए हम कहां से इंतजाम करेंगे बता? ले अभी आ गए, बाकी भी आ जाएंगे। तू जेडी मेन मुद्दे दी गल आ ओ कर इना ना। ठीक है भैया। चलो हम करेंगे की भैया। पूछन यार कल एसएचओ दी बड़ी बदरी बननी तू है, मान गए। थैंक यू भैया। वैसे भैया हम बात किए थे जब आप चले गए थे ना एसएचओ से। की कहना फिर? वो 2-3 साल के लिए सजा होगी लक्की भैया। 2-3 साल यार। लेकिन भैया बोल रहा था कि सेटलमेंट हो सकता है अगर दूसरा पार्टी केस ड्रॉप कर दे। तू सानू पहला क्यों नहीं दस्या है? वो भैया हम वो भूल गए। मुए साले ने आईएस क्लियर करनी है यार। ओ यार फिर की होगा जे भूल गए? पर तन्नू ऐ पता भी केस कीता कि नहीं? ओए केस तां ओने कीता जेड़ा उधर लक्की नु विआह च घेरी खड़ा सी। फिर आपां कर लेने गल ओदे नाल। ना केड़े मूंह नाल गल करांगे ओदे नाल? यार तू रावणा 10 मूंह वाला इक्को मूंह आ ना, ओदे नाल ही करेंगा। पर गल किवें करांगे? ओ यार दस। गल तां यार तेरी भी ठीक आ ना। ओदा एड्रेस पता ना ना। ओ ना तां वैसे ओदा फौजी ओदे लै तां रिहा सी। बड़ा कलरफुल दा नाम आ ओदा। दुर्गन गिला? ओ नहीं चमकीला। फौजी? फौजी केड़े पासेओं कलरफुल नाम हो गया? मेरा मतलब अपने वाला फौजी। हुण इस मामले च हेल्प अपनी ओही कर सकदा। ओ केड़ा अपना फौजी जिहड़े हिसाब नाल ओने ललकरे मार के आपां नूं पीछे बाहर कढाई? ते लगदा अपनी गल भी सुणो। अपनी तां नहीं सुणो, पर बहादुर अंकल दी किवें मोड़ू? ये उन्हां दी तां चल नहीं मोड़दा, पर यार लक्की ने आपां नूं कहा सी वी इहदे बारे अंकल नूं कुछ नहीं पता लगना चाहिदा। यार जे 2 साल ਲਈ ਆਪ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਈ ਸਪੋਰਟ ਅਨਮੋਲ